पाकिस्तान विदेश से मिले हथियारों और सैन्य मदद के मामले में भी बदनाम रहा है। जिन हथियारों को आतंकवाद रोकने के लिए दिया जाता था, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में करता रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जनता मान रही है कि अमेरिका, जो कभी पाकिस्तान को हथियार और सैन्य मदद दिया करता था, वो प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर ही उसे हथियार नहीं देगा। ऐसे में अब सवाल है कि क्या है पाकिस्तान का वही होगा जो मोदी चाहेंगे? दुनिया को पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं है? पाकिस्तानियों ने खोल दी पोल। विदेशी हथियारों के साथ पाकिस्तान का गोलमाल क्या समझ गया है अमेरिका? पाकिस्तान का अब वही होगा जो मोदी चाहेंगे? पाकिस्तान पर अमेरिका अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही सुनेगा। विदेशी हथियारों के मामले में पाकिस्तान बदनाम है। वो विदेश से मिले हथियारों को आतंकवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद फैलाने में करता है। ये बात तो अब पाकिस्तान के लोग भी अच्छे से जानते हैं। पाकिस्तान ने कैसे एटम बम की तकनीक दूसरे मुल्कों को बेची है, ये बात भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इसी हफ्ते अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर आए थे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान भारत ने अमेरिका के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरे का मुद्दा भी उठाया, और खतरे की बात हुई तो पाकिस्तान का नाम भी सामने आया। विदेशी हथियारों के दुरुपयोग की पाकिस्तानी हिस्ट्री भारत ने अमेरिका के सामने रखी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका से कहा, पाकिस्तान पर विदेशी हथियारों को लेकर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। भारत का इशारा था कि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार या टेक्नोलॉजी ना दे, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। विदेशी हथियारों का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान को भारी पड़ा है। 2014 तक जहां अमेरिका पाकिस्तान को 8,300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सैन्य मदद देता था, वो सैन्य मदद 8 साल में शून्य हो गया है। और ये विदेशी हथियारों और विदेशी आर्थिक मदद के मामले में पाकिस्तान की बदनीयति का ही असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZMedia।